सीतापुर से चार बार सांसद रहे राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जो राज्य मंत्री का दर्जा होता है, राजेश वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष बनाए जाने पर तमाम लोग जो समर्थक हैं वो बधाई दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं राजेश वर्मा जी, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले कहें या एक दिन पहले कहें, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। सर, मेरा पहला मेरा पहला सवाल है कि चार बार आप सीतापुर संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे और भी तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन किया, संगठन की दृष्टि से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, ऐसे में एक नए पद की जिम्मेदारी मिली है, इस पद का कैसे बखूबी निर्वहन करेंगे? देखिए पंकज जी, आपको बता दें, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद 16 में हमने जो है ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष का पद संभाला, और ओबीसी मोर्चे का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक अध्यक्ष का पद है उसको मैंने बखूबी 5 साल निर्वहन किया। उसके बाद केंद्र में हमको बड़ी जिम्मेदारी ओबीसी पार्लियामेंट्री वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन बना करके एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय इंदिरा मंत्री जी ने दिया, उसको भी बखूबी मैंने 4 साल निभाने का काम किया। ओबीसी मोर्चे में पिछड़ों को संगठित करने का काम हमको मिला, फिर जब केंद्र में जी ओबीसी पार्लियामेंट्री वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया गया तो मैंने पूरे देश में पिछड़ों के हितों की रक्षा करने के लिए जो भी जरूरी कदम थे वो उठाए, और बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट हमने पार्लियामेंट में सबमिट करी, जिसमें हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जो रिपोर्ट्स थी वो हमारी केंद्र सरकार ने 70-80% स्वीकार भी किया। जी। एक हमारी बड़ी सफलता थी। हमें लगता है कि उसी अनुभव का उपयोग करते हुए हमको फिर से केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे इस महत्वपूर्ण पद पर, संवैधानिक पद पर नामित किया है। मैं निश्चित रूप से अपने पूरे बोर्ड के साथ समन्वय करके उत्तर प्रदेश के पिछड़ों की दबी हुई आवाज को बुलंद करने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए मैं अनवरत संघर्ष करता रहूंगा। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का आपको अध्यक्ष बनाया गया है, और पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के लिए कार्य होगा, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है। 27 में आगे यूपी के चुनाव हैं, तो ये संवैधानिक पद है, इसका निर्वहन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये नई जिम्मेदारी है। सर, अब इसके बाद कैसे लोगों को न्याय दिलाने का आगे आपका रहेगा? निश्चित रूप से पंकज जी, हमारे कार्यालय में जो भी एप्लीकेशन आएंगी, जो भी अच्छी लोग आएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उनको कैसे न्याय दिलाना है, किस अधिकारी से न्याय नहीं मिल पा रहा है उस अधिकारी से भी बात करेंगे। हमारा यही उद्देश्य होगा, हमारे पूरे जो हमारा संगठन है, जो हमारा ग्रुप है, वो पूरा यही उद्देश्य उसका रहेगा कि पिछड़ों को न्याय मिले, उनके साथ अन्याय ना हो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। पिछड़ों को न्याय मिले, अन्याय ना हो, हम बातचीत कर रहे थे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश वर्मा जी से। आपने आई इंडिया से सर बात साझा की, और जब भी आगे मुलाकात होंगे, व्यक्तिगत रूबरू होंगे हम लोग, और आगे भी बहुत सारे जो निर्णय आपके होंगे उनको भी हम तमाम लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे। आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।